अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 94। और आज के इस लेसन में हम मैश मॉडलिंग में एक्सट्रूड फेसेस पे काम करेंगे और स्प्लिट फेसेस क्या होता है, मर्ज फेसेस एंड क्लोज फेसेस क्या फंक्शन होता है, इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूँगा। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से 3D में जाता हूँ, SWS मैट्रिक व्यू में जाता हूँ और UCS आइकन को UC एंटर करके डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं 2D वायर फ्रेम की जगह इलास्टिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फेसेस ड्रॉ करता हूँ। पहले सबसे पहले मैश फेस के ऊपर मैं काम करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो आज के इस लेसन में हमने एक्सट्रूड फेसेस के ऊपर डिस्कस करना है। तो एक्सट्रूड फेसेस मैंने प्रीवियस लेसन में एक बार आपको बताया भी था, आज के इस लेसन में फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्सट्रूड फेसेस के ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ से कंट्रोल को प्रेस करके मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल को प्रेस करके सेकंड फेस को सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल को प्रेस करके थर्ड फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करता हूँ। कितने इसको एक्सट्रूड करना है, सॉरी मैं फिर सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ क्योंकि स्पेस प्रेस मैंने नहीं किया था। या आप डायरेक्ट सिलेक्ट भी करके कर सकते हैं और एक्सट्रूड फेसेस के ऊपर क्लिक करें और कौन कौन से फेसेस को अपने एक्सट्रूड करना है उसको सिलेक्ट करें, या फिर आप कंट्रोल को प्रेस करके भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट को प्रेस करके स्क्रॉल बटन से मैं इसको मूव करता हूँ, फेस को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और मैं इसको एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, 5 एंटर करता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, फेसेस हमारे पास एक्सट्रूड हो गए, देख सकते हैं। तो ये थे फेस एक्सट्रूड। उसके बाद स्प्लिट फेसेस, तो उसका फंक्शन ये होता है कि अगर मेरे पास फेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब मेरे पास ये एक ही फेस है, टॉप पे मैं जाता हूँ आपको बताता हूँ शिफ्ट को प्रेस करके, या फिर मैं आपको आपको यहाँ से बताता हूँ। तो मेरे पास, मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास यहाँ पे एक ही फेस है, या फिर मैं अगर आपको यहाँ से ये बताता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ शिफ्ट को प्रेस करके, ये कंट्रोल को प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये एक ही फेस है। इस एक फेस को मैं काफ़ी सारे फेसेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं स्प्लिट फेसेस पे क्लिक करूँगा। स्प्लिट फेस पे मैं क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या रहा है, स्पेसिफाई कौन से पॉइंट से आप इसे स्प्लिट करना चाहते हो। मैं सेंटर से करना चाह रहा हूँ, सेंटर से यहाँ तक करना चाह रहा हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि देखें यहाँ पे ये दो फेस बन गए, आप देख सकते हैं। कंट्रोल को प्रेस करके मैं आपको बताता हूँ, एक फेस ये और एक फेस ये है, अलग से दो फेस बन गए। और भी आप इसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए स्प्लिट फेस पे क्लिक करें और अपने फेसेस को सिलेक्ट करें। और मैं यहाँ से यहाँ तक इसको एक और बार करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे देखें तो इसके भी हमारे पास तीन हिस्से आ गए, देख सकते हैं। और आप इसको भी एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं तो एक्सट्रूड करें, इस फेस को, इस फेस को, इस फेस को, तीनों को एक्सट्रूड करना है। स्पेस कितना एक्सट्रूड करना है, 3। तो देख सकते हैं यहाँ पास फेस क्या हो गए, एक्सट्रूड हो गए। अलग से सिर्फ एक फेस को एक्सट्रूड करना है तो एक को भी कर सकते हैं। तो ये था जी स्प्लिट फेस का फंक्शन, देख सकते हैं। अच्छा, और भी अगर करना चाह रहे हैं तो और भी मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिट फेस पे क्लिक करता हूँ, इस फेस को मैंने करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने करना है, और यहाँ से आप देखें ज़रा इस फेस को देखें, इसके दो हिस्से बन गए। अब मैं सिर्फ एक हिस्से को करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे वाले इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, देखें 5, देखें सिर्फ यही दो फेस मेरे पास किया हुआ है एक्सट्रूड में। तो ये था जी आपका एक्सट्रूड फेसेस और उसके बाद स्प्लिट फेसेस का फंक्शन। मर्ज फेसेस का फंक्शन क्या है, अब मर्ज फेसेस का फंक्शन है कि आप देखें मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक दो तीन, ये तीन फेसेस जो हैं, या फिर मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करता हूँ सर्कल या कोई और चीज़ ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पे मैश सरफेस में बल्कि मैं यहाँ से इसी को सिलेक्ट करता हूँ, मैश बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, औरों पे भी आप काम करते हैं लेकिन उसमें भी आप, अब देखिए इसमें जो फेसेस हैं इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फेसेस हैं। अब इन 9 के 9 फेसेस को मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक फेस बनाना चाह रहा हूँ, या मैं यहाँ से लेकर इस बल्कि सेंटर वाले जो फेसेस हैं इनको मैं एक करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मर्ज फेस का मैं फंक्शन यूज़ करूँगा। मर्ज फेस पे क्लिक करें, अब अपने फेसेस को सिलेक्ट करें, एक फेस
सेकेंड और थर्ड, इन तीनों फेज में सिलेक्ट करता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ। अब मेरे पास ये एक फेज बन गया। आप देखें ज़रा गौर से तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक ही फेज है। कंट्रोल को प्रेस करके मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ, देखें ज़रा, तो मेरे पास ये एक ही फेज बन गया। और इस एक फेज को आप एक्सट्रूड करना चाहें तो आप यहाँ से करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही फेस एक्सट्रूड होगा, देख सकते हैं। देखिए तो ये जी मर्ज इन तीनों का फंक्शन पता चल गया आपको। उसके बाद क्लोज होल, क्लोज होल का फंक्शन क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पॉलीलाइन लेता हूँ, पीएल एंटर करता हूँ, पॉलीलाइन लेता हूँ, ओके और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जांपल सी पी एंटर, सी पी एंटर करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ स्पेस और इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ तक और यहाँ से मैं ये वाली कमांड लूँगा, मैश रोल सरफेस पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट सेकंड। और अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब इसको पॉलीलाइन को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ, एक सरफेस यहाँ पे ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। और अब इस सरफेस के ऊपर वाला पॉइंट जो है, इसके ऊपर जो छत सी मैंने बनानी है, फॉर इसको क्लोज करना है तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो क्लोज करने का क्या तरीका है कि मैं इसको सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ करता हूँ, स्मूथ कर लिया। अब मैंने इसको क्लोज करना है तो क्लोज करने का क्या फंक्शन है, आप क्लोज होल पे क्लिक करें, आप इसको होल इसको सिलेक्ट करें, कॉर्नर्स को जहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक ये इसको क्लोज कर देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या कर दी, जी क्लोज कर दिया, आप देख सकते हैं क्लोज कर दिया इसने, जहाँ तक आप चाहेंगे वहीं तक क्लोज करेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज होल्स पे क्लिक करता हूँ, मैं यहीं तक से करना चाह रहा हूँ, मैं स्पेस पेस करता हूँ, सिर्फ ये उसी एरिया तक इसको क्लोज करेगा, देख सकते हैं और एरिया को इसने क्लोज नहीं किया। तो ये था जी क्लोज होल का फंक्शन। और आज के लेसन में हमने जो काम किया, हमने आज के लेसन में एक्सट्रूड फेसेस और मैच एडिट के ऊपर हमने डिस्कस किया था, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में दे और कमांड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी कमांड है। और आपको शायद याद हो कि हमने कन्वर्ट टू सॉलिड, कन्वर्ट टू सरफेस पे भी काम किया हुआ है, और यहाँ पे स्मूथ और कह रहा है क्रिएट स्मूथ मॉडल विद द सेम नंबर ऑफ फेसेस एट ओरिजिन मैश पॉइंट। अब मैं देखता हूँ इसका फंक्शन क्या है, ये भी अगर समझ में आता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप यहाँ से गाइडलाइंस ले सकते हैं इसकी। स्मूथ क्लिक करता हूँ मैं, ऑप्टिमाइज स्मूथ, नॉट ऑप्टिमाइज्ड, और इसका फंक्शन है पहले इसको स्मूथ करें, थोड़ा स्मूथ, लेट्स क्लोज, स्मूथ मोर करें। और यहाँ से अब देखता हूँ इसका फंक्शन, देख सकते हैं इसका फंक्शन समझ आ गया। इसका फंक्शन ही होता है कि आपने कन्वर्ट टू सॉलिड्स के लिए एक पॉलीलाइन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पी एल एंटर, कन्वर्ट टू सॉलिड इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट टू सॉलिड पे क्लिक करता हूँ, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। या फिर आप इसको सरफेस और सॉलिड का फंक्शन ये है कि आपने इसको सरफेस के लिए डबल क्लिक करें, इसी प्रॉपर्टीज में जाएं, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके इसी प्रॉपर्टीज में जाएं, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टीज में इसकी थिकनेस को बढ़ाएंगे आप, लाइन वेट और थिकनेस यहाँ पर देखें 0 दी हुई है, थिकनेस को बढ़ाएं, 12 करता हूँ मैं इसकी थिकनेस, थोड़ी बढ़ाता हूँ 15 करता हूँ इसकी थिकनेस,
थिकनेस भी इसकी बढ़ गई है। अब इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट टू सॉलिड पे क्लिक करें। अब इसको कन्वर्ट टू सरफेस पे क्लिक करना चाहे तो कन्वर्ट टू सरफेस पे क्लिक कर सकते हैं, और कन्वर्ट टू सॉलिड पे क्लिक करना, सिलेक्ट करें इसको, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर स्पेस प्रेस करें तो ये कन्वर्ट टू सॉलिड पे कन्वर्ट होगा आई थिंक। चलिए इस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में भी डिस्कस कर लेंगे क्या फंक्शन है इसका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।